जैकेट्स, कॉकटेल पार्टी गाउन्स, डेनिम के डिजाइनर कपड़े, विंटर मेकअप और हेयर और सितारों का मजमा, ये सब कुछ आज सास बहू और साजिश लेकर आया है। लैक्मे फैशन वीक के चौथे दिन पे क्या क्या हुआ और क्या क्या हमने आपके लिए लाया है, ये अब आप देखिए। शुरुआत सबसे पहले करेंगे डिजाइनर शांतनु एंड निखिल के शो से, जिसके शो स्टॉपर बने रितेश देशमुख और मलाइका अरोरा खान। Inspired है स्पेन से, एक मैटेडोर की मिस्ट्रेस की कहानी है ये, और बड़ी अद्भुत कहानी है क्योंकि जिस इमोशन से ये मोहतरमा गुजरी हैं उस इमोशन को हमने कायम करा है और उसको पकड़ के इस तरीके से उसकी नुमाइश करी जाएगी जिससे आपको लगेगा कि ये वाकई में स्पेन की अभिनेत्री हैं। और मेंस में ये उस माहौल से लिया गया है 1919 के समय से, जो पंजाब में जो एक बहुत बुरा हादसा हुआ था, उस हादसे को हमने बैकड्रॉप में लिया है और ये दिखाने की कोशिश करी है कि लोगों को आप कष्ट पहुंचा सकते हैं पर हिम्मत को कष्ट नहीं पहुंचा सकते और ना इमोशन को कष्ट पहुंचा सकते हैं। मलाइका एक प्रिंसेस की तरह तैयार थी तो वहीं रितेश देशमुख का अटायर देशभक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा था। Fantastic, outstanding collection for both men and women, and I'm really glad and I'm really happy that I finally got a chance to work for you. For years we've been discussing it. Yes. I love your clothing, and I'm really glad that I can be here to portray that strong, fierce, feminine woman that you're talking about. Thank you so much, Malaika. I think you are looking absolutely stunning. And it's mutual admiration. No, it's not about mutual admiration. I'm sure everyone. I almost forgot that I have to walk. I was stuck there looking at you. You looked gorgeous. And Shantanu and Nikhil have been friends for a very long time. I'm so happy and glad that I got a chance to walk for them. वैसे रितेश देशमुख को सपोर्ट करने के लिए उनका पूरा परिवार आया, उनकी मम्मी, भाई और खास तौर पे उनकी बेटर हाफ जेनेलिया डिसूजा। जेनेलिया, कैसा लगा इनका शो आपको? वे ऑसम, ऑसम, ऑसम। कुछ तारीफ दी? अरे रितेश, अच्छा लगा। हाँ जी बहुत। हाँ जी इट इज ब्यूटीफुल, लवली कलेक्शन। बढ़िया। इनके बाद लैक्मे फैशन वीक में जॉन इब्राहिम की भी हाजिरी लगी, जो यहाँ पर फैशन इलस्ट्रेशन के बारे में बात करने पहुँचे थे। Echo Unlimited is going to be launched in this country in October. This is just a teaser. This is just to give you an idea, touch and feel idea of what we have to offer as a brand. Fashion Week में हमेशा अक्सर यही होता है कि काफ़ी स्टाइलिश लोग और फैंसी लोग और पढ़े लिखे लोग और काफ़ी अमीर लोग आते हैं, ऑडियंस में बैठते हैं या शोज देखते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मौका है और मैं IMG का शुक्रगुजार हूँ, रिलायंस का शुक्रगुजार हूँ और मैं यही मानता हूँ कि उन्होंने आज मुझे एक मौका दिया है कि आई कैन कॉल फोर ऑफ माई वेरी स्पेशल फ्रेंड्स जो रेफ्यूजीज़ है, एक अफगानिस्तान से है, दो म्यांमार से है और एक सोमालिया से है, और वो मेरे साथ आए इस यहाँ पे क्योंकि मैं उनको अपार्टमेंट में लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे अपार्टमेंट एक जगह है जहाँ पे मेरा एक सरप्राइज ब्रांड अभी लॉन्च होने वाला है, तो वहाँ पे उनको कुछ करवा रहा हूँ वहाँ से। सो आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड टू हैव देम हियर। वैसे जॉन के बाद अब बारी आती है कृति सैनन की, जिन्होंने डिजाइनर रितु कुमार के लिए वॉक किया और इस बार रितु कुमार ने स्पोर्ट्स वेयर थीम रखी थी। Because the collection I feel was fab.
It's so young, it's very easy, breezy, like easy wear, comfortable, and it's got its femininity, it's got the slight spunk, it's got a slight edge to it, it's got a slight boho feel to it, which I absolutely love. कृति सनन के बाद जैकलिन फर्नांडिस ने भी यहां पे अपनी हाजिरी लगाई। डिजाइनर आशीष एंड सोनी के लिए उन्होंने रैंप वॉक किया। You know, I think the entire look was about drama and glamour, and I think like we really achieved that today. So. लेकिन यहाँ पर जैकलिन से ज्यादा हमारा ध्यान किसी और ने खींचा। हम बात कर रहे हैं पम्मी आंटी यानी कि सुमेर की, जो आज लैक्मे में पहुँच चुकी है। आज मैं बड़े अपने नवे चश्मे पा के आई हाँ, क्योंकि मेरा जेड़ा पुत्र हैगा ना, बिल्कुल मेरे पुत्र वर्गा आशीष सोनी उदा शो हैगा है। मैं बहुत खुश हैगी हाँ और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देने आई हाँ और आशीर्वाद देने आई है। हो सकता अगली बारी मैं ही उदा शो ते चल रही हूँ। लैक्मे फैशन वीक में और सबसे यहाँ पे ज्यादा होता है फैशन का जलवा, तो अब हमें पहले बताइए रैंप वॉक कैसे किया जाता है। रैंप वॉक मुझे उसके आंटी बताएंगे। हाँ हाय पम्मी आंटी, तो कभी रैंप वॉक कर ही नहीं सकती, जो वो तो बेचारी कैसी होगी अगर वो अचानक। देखो पम्मी आंटी एक बहुत ओल्ड लेडी है और वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलती है, ये चलेगी यू नो। फैशन ना मेरे को सीखो, ए बाहर जाने की कोई लोड़ नहीं हैगी, घर की चीजा तुम पा सकते हो बहुत चंगी चंगी, तो जेडे जिस तुम कंफर्टेबल हो गए हो। The way you think you are comfortable, I'm sorry. The way you think you are comfortable, just wear. That's the fashion. You make your own statement. Don't follow anybody else. Teen shopping tips हमें पम्मी आंटी बताएंगी कि shopping कैसे करनी चाहिए। For men or for women? पम्मी आंटी है तो आंटियों के लिए ही बताएंगी। Okay, I'm bad at that. You're asking the wrong person. But I think so. Wear something really suits you, ravishing. Match your glass, if I'm not wrong. Also, have some nice bracelet, and for ladies, I think so. Clutch is very important. Wear that. Okay, and for me, auntie, shopping kahan se karti hai? Hai, main to Jwala ID jaake shopping karni hai. Main jo bhi othe khareedni hai, mainu bahut suit karda hai. ये तो बात हो गई रैंप वॉक की, अब जरा बैक स्टेज चलते हैं, जहाँ पे आज हमें विंटर मेकअप कैसे किया जाए और विंटर में बालों का देखरेख कैसे किया जाए ये पता चलेगा, और ये सब कुछ हमें यहाँ के मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट बताएंगे। Apply moisturizer because it hydrates our skin, and for winter I guess Cetaphil is acha ek moisturizer hai, and we can use primer as well. Actually moisturizer also sets your foundation acche se set ho jata hai moisturizer lagane se, to winter aur summers mein agar summers bhi hai to bhi moisturizer should be an essential product. Before makeup moisturizer use karna hi chahiye. Ye acha shade hai for winter. We can go for this is MAC by MAC, pinkish soft pink, and ye nude color hai by Pro Art. Powder zyada nahi hona chahiye aur very soft and subtle look, jitna hum loud nahi kare utna acha hai, kyunki winter mein fir rehta hai ki ye makeup stay karega ya nahi. Eyeshadow I use personally Lakme because this colors are very cool and it looks good on every skin tone, so I would suggest this one. A natural mousse which is very amazing, I'll show you. It just goes so well on the skin. Like once in the winter, मतलब सर्दियों में अगर आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाएंगे और उसके बाद अगर सिंपली लाइक 9 to 5 लुक के लिए इफ यू वांट, आप ये इसको यूज़ करेंगे तो आई कैन शो यू, इट्स वेरी स्मूथ यू नो। आप उसको बिल्कुल ज़रा सा लगा के स्किन पे करेंगे, इट विल जस्ट गो इन टू द स्किन। सो जो केकी लुक आ जाता है वो नहीं आएगा विंटर्स में, सो दिस इज़ गुड। एंड ऑल्सो आई विल शो यू द कूल कलर्स फॉर विंटर्स। These colors are so amazing. अगर आप इनको विंटर्स में यूज़ करेंगे फॉर आई शेडो
it will go very well. Like ki winter mein baal bahut zyada frizzy ho jate hain, so basically I would suggest you use a little serum ko haath mein lejiye, palms mein, you know, just activate it by rubbing it on your tips, and then you can section your hair and then you can just rub it on your hair, and that's how you maintain it. Aajkal bahut sare dry shampoos aaye hain bahut acche quality ke, agar aap dekhenge TGs mein bhi kafi dry shampoos hai. To hum usually kya karte hain, kafi baar सर नहीं धोते सर्दियों में ठंडी के कारण, सो यू कैन आप बाल को पार्ट कर लीजिए और सेक्शन में रूट्स में आप थोड़ा अगर स्प्रे कर लेंगे, सो दैट्स अबाउट इट. जस्ट हैव टू आपको सिर्फ रब करना है अपने बालों में एंड इट्स ऑल गुड. और साथ ही ये भी जानेंगे कि मॉडल अपने आप को किस तरह से मेंटेन रखती हैं, उनका क्या रूटीन होता है. डेढ़ घंटा मिलता है हेयर एंड मेकअप पीपल को. एक शो ख़त्म करने के बाद जो दूसरा शो हमें करना होता है, तब हमारा हाउस ऑन फायर सिचुएशन होता है. कहाँ उनको डेढ़ घंटा मिलता है मेकअप चेंज करना, हेयर चेंज करना. उसी दौरान हमें हमारा जो लंच है, जो स्नैक्स है, जो भी बाकी की जो चीज़ें, हमें उसी डेढ़ घंटे में करना पड़ता है. पर ऑलमोस्ट आदत सी हो गई है, तो हाउस ऑन फायर मुझे आजकल लगता नहीं है. सिर्फ कामनेस मेंटेन करती हूँ मैं. मुझे 18 साल हो गए ये करते हुए. लकीली मैं बचपन से ही फिटनेस में हूँ, तो फिटनेस इज़ माई लाइफ स्टाइल. और मुझे ऐसा प्रेशर नहीं लगता कि आई हैव टू बी थिन, क्योंकि इट्स माई लाइफ स्टाइल. तो आई ईट, आई वर्कआउट एंड आई स्टे हैप्पी. देर इज़ नो शॉर्टकट टू एनी थिंग इन लाइफ. वो कहते हैं डाइट वाइट, हम खाना किसी को ख़राब नहीं करते हैं, हम उसको ख़राब करते हैं उल्टा सीधा खा के. तो टू कम बैक, जो हम बचपन में स्कूल में जैसे 5 मील्स खाते थे, वही फंडा मैं फॉलो करती हूँ. बी एक्टिव, ईट प्रॉपरली, स्टे पीसफुल. शो से पहले अगर आप चाहते कि आपका स्टमक फ्लैट रहे, तो एक तो थोड़ा सा पानी आप कम पी लीजिए, बिकॉज उसके वजह से थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, नहीं तो ब्लैक कॉफ़ी. बट हैव फ्रूट्स, बट सुबह का ब्रेकफास्ट मस्त मत कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट स्टार्टिंग फ्यूल. उसके बाद आप थोड़ा सा कंट्रोल कर दीजिए शो के पहले, एंड देन यू बैलेंस इट आउट विथ योर नट्स एंड योर फ्रूट्स, एवरीथिंग. अब जरा जैकेट्स और डेनिम्स की ओर बढ़ते हैं. विंटर में लेदर जैकेट्स का खूब फैशन होता है. अब आप भी जरा देखिए कि जैकेट्स के साथ आप कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और लेदर जैकेट्स कितने अलग अलग तरीके के आप बनवा सकते हैं. जैकेट्स के बाद अब बारी आती है डेनिम्स की. डेनिम्स की जीन्स तो एवरग्रीन होती है, लेकिन डेनिम्स के साथ अब और क्या क्या फैशनेबल बना सकते हैं ये भी जानिए जरा. ये डेनिम का किस तरह से इन्होंने बुक कवर बनाया है. तो इस बार मैंने सारा डेनिम ही यूज किया है. रीजन बीइंग, जैसे आपने कहा कि सर्दियों में डेनिम बहुत चलता है, एंड डेनिम एक ऐसा फैब्रिक है जो हर कोई पहनता है और पहनना भी चाहता है, बिकॉज कम्फर्ट भी है, स्टाइल भी है एंड लुक भी है. डेनिम से क्रिएट किया गया है, एंड सारा डेनिम जो भी आप देखेंगे, ये एक जो आजकल रिब्ड वाला, हाँ जी, रस्टिक और बहुत ही एजी इसका है लुक पूरा. एंड प्रिटीनेस, हमने इसको पूरा पतला वेस्ट को थोड़ा और छोटा करके, और वो थोड़ा हमने उस तरीके से लेडी लाइक एंड क्लासिक लुक देने की कोशिश किया है. हमने यार्न मेश कहते हैं इसको हम, एंड दिस इज व्हाट वी हैव मेड इन दिस कलेक्शन. इस बार विद फॉइल प्रिंट स्वेटर, हाँ जी, स्वेटर. सो इसको हमने प्रिंट भी किया है, एंड डेनिम में भी हमने प्रिंट किया है. दिस इज अ ट्रेंच कोट एंड ओवरकोट जैसा ही इसका आप पहन सकते हैं, एंड अगर आप बेल्ट के साथ इसको बंद करके पहनेंगे तो एज अ ड्रेस भी पहन सकते हैं, एक अंदर स्लिप पहन के. दिस अगेन इज अ टॉप, आप देन वी कैन स्टाइल इट विद यू नो अ स्कर्ट. वेरी इंटरेस्टिंग अ जैकेट, एंड फ्रॉम डे टू इवनिंग दोनों तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म. स्वेटर वाला जो मटेरियल होता है वो भी ये डेनिम निट है, इसको डेनिम निट ही कहते हैं, एंड देन इट्स अटैच्ड टू द डेनिम फैब्रिक. डिजाइनर के ये डिजाइन और छोटे छोटे टिप हम उम्मीद करते हैं कि आपके काम आएंगे और साथ ही आपको पसंद आएंगे. फैशन का ये मेला आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा. जोयता मित्रा के साथ आरती गुप्ता पांडे, एबीपी न्यूज़ मुंबई.